लोग बजरा ढूंढ रहे हैं, गांव की खेती खत्म हो चुकी है। बट यहाँ बजरा आपके लिए बता रहे हैं, बाजरा को कह रही है बजरा। क्या होता है वो? बाजरा। बाजरा होता है वही बाजरा जो कबूतर खाते हैं। सो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए जेड प्लांट की ना कटिंग कर रहे हैं, इसको राउंड बना, राउंड शेप दे रहे हैं ना। कौन सा पौधा है ये? जेड प्लांट। लोगों को लग रहा होगा ना कि सारा केयर आप ही करते हैं पौधों का, मगर अभी आए थोड़ा सा ये कटिंग कर लिए, कैंची उठा लिए। बस कैंची उठाने बड़ा मजा आता है इनको। और ना कौन सा? हाँ, इसको सारा हम निकाल दीजिए, बड़ा वाला था ना, सब निकाल दिए। इतना ज्यादा हो गया था एलोवेरा तो सब हम किया निकाल दिए। और ना ये बटन बेल बहुत बढ़ रही है अपने यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ पे ज्यादा पौधे बटन बेल गए। ये देखो, एक बटन बेल ये रहा। हाँ, एक ये रहा, चार पांच उसमें है। हाँ, फिर वहाँ से देखो यहाँ तो, और उस बालकनी में भी है। उस बालकनी में भी है। और ये मेरा पौधा सूख गया, पता नहीं क्यों सूख गया। इसका हम कटिंग भी लगाए, देखते हैं तैयार होता है कि नहीं। क्या हुआ? मिट्टी के बना है, पता नहीं क्या है। और ये मेरा नारंगी है, ये ना हम सोचते थे नींबू है बट है नारंगी। एक ना पका हुआ था, अगर दोबारा पके ना तोड़ के आप लोग से दिखाएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, मनी प्लांट ऊपर बांधना पड़ेगा। हाँ, अच्छा पालक तब तक हम तोड़ लें। पकड़िए पालक तोड़ के ना, उसमें ज़्यादा पालक हो, इसमें कम है तो हम तोड़ लेते हैं। ये अरबी के पत्ते हैं, इनकी भी सब्जी बनाएंगे जब ये बड़े हो जाएंगे। फिलहाल हम पालक पता है सूख गया, दो दिन पानी डालना भूल गए ना हम, तो सूख गया। और उस बालकनी में हरा हरा हुआ है, अच्छा अच्छा पालक हुआ। ये छोटे छोटे पालक है, इसमें बड़ा बड़ा है, इतना ही बहुत है। और ये बैगन है, देखिए ना बैगन का बीज है। कहाँ है बैगन? यानी क्या है, बैगन है, बैगन। ये गाँव से बीज हम लाए थे। और ये ना गोल वाली मिर्च है, गोल वाली मिर्च, गोल गोल फरेगा मिर्च है। गोल मिर्च कैसी होती है भाई? नहीं देखे हैं? गोल गोल फरेगा, देखिएगा ना। ये किस चीज़ का पौधा है? मनी प्लांट हमारी बालकनी के ऊपर निकल गई है, तो इसको अब ऊपर बांधेंगे वहाँ पे, वहाँ से बांध के लेके। ये तीन, एक एरी एक एरी, तीनों को एक साथ करके बालकनी में ऐसे ले जाके ऐसे उस बालकनी में लेके जाएंगे। और इसमें भी छोटे छोटे पौधे आ रहे हैं क्या? कुछ नहीं है भाई, इसमें वाइट वाइट हो गया है। बस बहुत है इतना। अरे बहुत क्या, आलू में डाल के बनाएंगे और उसमें है ना, उसमें तोड़ते हैं। तो भाई ये गमले थोड़े साइड करने पड़ेंगे हमें, इसमें पालक थोड़े बड़े बड़े हैं। अरे इसको भी फेंक देते ना, क्यों लगा रखा है बोतल अच्छा में? अच्छा लग रहा है, प्यार लग रहा है। इतना पालक निकल गया, दिखाइए। और निकलेगा भी यहाँ वाला, वहाँ है, वहाँ है पालक। दिखा दिया मैंने पालक। टमाटर कहाँ है? टमाटर फट गया है, आज एक तोड़ के ले गए हैं और लाया है, कितना सारा भी। कौन सा टमाटर का पेड़ है? ये भगवान, ये सारे टमाटर ही इतने बड़े बड़े भाई। ये टमाटर है, ये निकल गया था बड़ा सा। इसमें तो मुझे बस फूल ही दिख रहे हैं, टमाटर तो नजर आ नहीं रहा इसमें। भाई ये देखो छोटे छोटे फूल आ गए टमाटर के। अरे क्या हो गया? तो भाई ये टमाटर के फूल हैं, बाकी टमाटर भी जल्दी आ जाएंगे शायद। ये छोटे छोटे आ गए हैं टमाटर, ये देखो आया था, एक आया था, बड़ा हुआ था, एक आया था, तोड़ के ले गई। बाकी किस चीज़ का पौधा है? ये जंगली है? कौन ये जंगली थोड़ी है, क्या है? टमाटर है, बैंगन है भाई। फिलहाल ये देखो पालक फ्री में दिया था वो बीज, पता है? बीज फ्री में दिया था, गमले उठा के यहाँ पे रखे। धागे कैसे फंस गया इसमें पता नहीं, ये कांटे वाला पौधा है। तो भाई ये आ गए सारे अपने गमले, मतलब पालक के। हाँ दोस्तों, ये फ्री में पालक लगा है मेरा, हम गए थे ना वहाँ से गमले एक लिए थे ना, उसमें बीज भी मांग लिए थे तो दे दिए थे, तो हम लगाए हैं। और मेरा पालक हो गया, धनिया भी उग गया है, धनिया वाला गमला उधर है। और सामने देखो भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है। हाँ, यहाँ पे फ्लैट बनने वाले हैं। और
पालक मेरा हो गया, ये दूसरी बार हम इसमें निकाल रहे, घना था ना तो ऐसे जैसे अभी खा रहे हैं ना, तो दूसरी बार इसको हम कर रहे हैं कि ज़्यादा वो इसके जड़े मजबूत हो जाएगा, कम रहेगा तो, और दो चार तोड़ के बना लेंगे। ये कितना अच्छा पालक हुआ, फ्रेश पालक, घर का पालक बिना खाद का। खाद तो डाली हमने, अरे मैंने उस खाद का एक होता है ना जल्दी हुआ, हम परवल लगाए थे बट ये परवल पच के नहीं दिया, जो दिख रहा है ना ये परवल है, ये परवल लगाए थे हुआ ही नहीं, अब हम क्या करें, नहीं हुआ तो अब इसको उखाड़ के फेंक देंगे बाद में। उखाड़ना के सड़ गया नीचे वाला, ऊपर वाला जो है हटा देते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आपके घर में पालक हो गया? अच्छा लग रहा है, घर में पालक लगा रहे थे। मैं कम खाता हूँ पालक, आलू पालक की सब्जी तो अच्छी लगती है, खा लेंगे भाई आलू पालक, क्या क्या पता इसका थोड़ा टेस्ट अलग है, घर का तो है ताजा है ना फिर से बिल्कुल। अच्छा अभी अभी तोड़ के खेत से तोड़ के सीधा घर में बने, सरसों का साग और पालक और रोटी। साग रोटी साग चावल अच्छा लगता है, वो मड़ू क्या बोलते हैं, मक्का का रोटी और साग है। हाँ मक्का फेमस है यहाँ का खाने, वही खा लेंगे भाई। कहाँ से मक्का का रोटी आई है? आटे की रोटी खा लेंगे यहाँ पे, बजरा बहुत होता है पूरे खेतों में, इधर बजरा होगा था, गांव में लोग बजरा ढूंढ रहा है, गांव की खेती खत्म हो चुकी है। बट यहाँ बजरा आपके लिए बता रहे, बाजरा को कह रही है बजरा। क्या होता है वो? बाजरा, बजरा होता है वही, जो कबूतर खाते हैं उसकी रोटी, गर्म होती है वो। हाँ वही ठंडी में लोग खाते हैं ज्यादा, हम लोग भी लाकर रखेंगे अच्छा लगेगा है ना। हम लोग नहीं खाते हैं, हम खाएंगे ना, बहुत अच्छा लगता है, लाया जाएगा, यहाँ बिक भी रहा है, बहुत सस्ता है। देखिए मेरा टोकरी भर गई, बड़ा बड़ा खुशी हो रहा है। सो दोस्तों हम पालक तोड़ के ला लिए हैं और किचन में रख दिए हैं, और उसका बनाएंगे पालक का साग, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि पालक का साग बना देना, हम बात कर लिए ना मक्के का रोटी का, बजड़े का रोटी का, तो बोल रहे हैं पालक साग और रोटी बनाना, तो वही बनेगा साग रोटी। और उधर मेरा कल्लू सोया हुआ है, हेडफोन लगा के गाना सुनते सुनते थक गया था तो अभी सोया हुआ है, और मेरा आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा है, जुकाम जैसे हो रहा है, गला वाला दर्द हो रहा है, तो अभी हम चलते हैं खाना वाना बना लें, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।